जिला अस्पताल में घंटों से बिजली गुल है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है, घंटों से बिजली गुल है और जनरेटर भी लोगों ने नहीं चलाया। अभी नए नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, मोबाइल की टार्च से यहाँ पर इलाज हो रहा है, इमरजेंसी में टार्च से इलाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं, क्योंकि वो जमीनी नेता है और सभी 75 जिलों में दौरा करने वाले एक नहीं दो बार वो पहले मुख्यमंत्री हैं, जहां पर उन्होंने खुद स्थलीय निरीक्षण किया है। ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया है। ये अस्पताल की बद इंतजामी है। शम्मी गौतम हाथरस से हमारे संवाददाता है। शम्मी, इस ये किस अस्पताल का मामला है और कितने घंटे से बिजली गुल है यहाँ पर? राहुल, हाथरस के जिला चिकित्सालय का मामला है, जो कि जिला चिकित्सालय है और 100 बेडों का अस्पताल सरकार द्वारा ये बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के चाहे स्वास्थ्य मंत्री बदल गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसी है, इसका नजारा आप भारत समाचार पर देख ही रहे हैं। और साथ ही स्थिति अब ये आ गई है कि वह घंटों से कल बिजली नहीं आई और मरीजों का इलाज मोबाइल की टॉर्चों से और मोमबत्तियों से होता है। उत्तर प्रदेश में आज ही ये स्थिति बनी हुई है। इस बात की जानकारी यहाँ के सीएमओ या सीएमएस को हुई है? जी बिल्कुल, इस बात की जानकारी यहाँ के सीएमओ से जब इस बारे में वार्ता की गई और बात की गई, तो सीएमओ ने बिल्कुल इस बात से अपना पल्ला झाड़ा और सीएमएस बिल्कुल घर में से ही नहीं निकले इस बात को लेकर, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां की जो जिला चिकित्सालय की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल टॉर्चों से और मोमबत्तियों से रोशनी होती है। कह सकते हैं कि वहां न तो जनरेटर है न वहां इन्वर्टर है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे मरीजों को इलाज मिल सके। इस बात का जवाब दीजिए कि यहां पर कितने घंटों से लाइट गुल है और क्या ऐसी स्थिति रहती है? जी राहुल, बिल्कुल यहाँ स्थिति बिल्कुल ऐसी ही रहती है और ये कल का ये नजारा ऐसा है कि लगभग एक से डेढ़ घंटे तक बिजली नहीं रही और जो मरीज थे वो परेशान होते रहे, गर्मी में कांपते रहे और फिर लोगों ने मोबाइल की टॉर्च से इलाज किया। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए शम्मी गौतम, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। जिला अस्पताल की स्थिति कैसी है हमारे उत्तर प्रदेश में वो आपको देखना चाहिए। ये हाथरस के जिला अस्पताल की तस्वीर है। शम्मी गौतम ने इस बात की जानकारी दी कि 100 बेड का जिला अस्पताल है, जहां पर देखिए घंटों से बिजली गुल है। ये लोग कैसे काम कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, जिला अस्पताल में घंटों से बिजली नहीं आ रही है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया कि स्वास्थ्य विभाग जिसके पास है अब उसके पास नहीं रहना चाहिए, किसी दूसरे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाना चाहिए। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 75 जिलों का दौरा किया है, वो भी एक बार नहीं दो बार स्थलीय निरीक्षण करने वाले पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। जमीनी नेता है, इस बात को अच्छे से जानते हैं क्या बेहतर हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को बदला है, क्योंकि ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। और आज स्वास्थ्य मंत्री के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज उन्होंने अपने विभाग को हो सकता है संभाला हो या न संभाला हो, लेकिन उन्हें विभाग मिल गया है और उनके सामने इस तरह की तस्वीर आना पहले दिन ही यानी बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदेश की किस तरह से स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए, स्वास्थ्य नींव होती है उसे आगे कैसे ले जाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। और इस बात को नए स्वास्थ्य मंत्री अच्छे से जान रहे होंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को ये दिशा निर्देश दिया है कि अब आपको आपके अच्छे काम की वजह से यहाँ पर चुना गया है और अच्छा काम कीजिए, सहजता से रहिए। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, इसमें ये लोग कैसे सहजता से रहें, आगे बढ़ेंगे खबरों में।